अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारा चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर एंड हो गया था। इसकी थ्योरी हमने सारी पढ़ ली थी, अब बची हैं हमारे पास इसकी एग्जांपल और इसकी एक्सरसाइज। आज हम इस चैप्टर की एग्जांपल्स देखेंगे। हमारे पास टोटल इसमें है 9 एग्जांपल्स, ठीक है, जिनमें 6 एग्जांपल्स वैक्टर से हैं और बाकी की 3 एग्जांपल्स इक्विलिब्रियम से है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको वैक्टर्स की सारी एग्जाम्पल इधर पढ़ा दूँ, और जो दूसरी इक्विलिब्रियम वाली होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगी, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, और अगर वैसे बाद में अपलोड होगा तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो हम पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। आप अपनी बुक खोल लें, टेक्स्ट बुक या की बुक कोई भी आपके पास है तो टेक्स्ट बुक पर वैसे सॉल्व है तो उसे देख लें, लेकिन समझ लें कि वो कर कैसे रहा और वो पूछना क्या चाह रहा है। तो हमारे पास है जी सबसे पहले एग्जाम्पल 1। चैप्टर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी एग्जांपल नंबर 1। तो ज़रा एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। मैं इधर स्टडी करता हूँ, इधर पढ़ता हूँ, और आप साथ उधर, मतलब इधर रीड कर रहा हूँ तो आप साथ उधर भी देखें। तो सबसे पहले एग्जांपल है द पोजीशन ऑफ 2 एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए 2, 3 एंड 4। पॉइंट ए की वैल्यू भाई साहब ने बताई है हमें, पॉइंट ए है 2, 3 और 4, ठीक है। उसने इसको ना ऐसे लिखा है, और जो पॉइंट बी है उसकी उसने वैल्यू बताई है 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन पर पता है आपको सारी चीज़ें क्या होती हैं, 0। तो जाहिर सी बात है तीनों जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जेड वो भी 0 होंगे इन किलोमीटर, किलोमीटर में एज शोन इन फिगर। तो आपको मैं भी इमेज भी ड्रा करके बताता हूँ। 2 क्वेश्चन है, व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन। एक इनके पोजीशन वेक्टर क्या है, यानी कि आर ए और आर बी। दूसरा इनके दरमियान में जो हमारा भाई साहब डिस्टेंस है कि कितना फासला इन 2 एरोप्लेन्स के दरमियान में, वो भी बताएं। तो अगर हम एरोप्लेन्स की इमेज को इधर ड्रा करें तो उसने कहा कि लेट्स सपोज अगर ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये ओरिजिन है, तो एक एरोप्लेन है इस पोजीशन पर और एक एरोप्लेन है इस पोजीशन पर। तो अगर हम इसके लिए पोजीशन वेक्टर बनाएं तो बनेगा यूं, और अगर इसके लिए बनाएं तो बनेगा यूं, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ये। तो अगर आप गौर करो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ओ ए, उसके अंदर एक वेक्टर ए भी ऐड हो रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है ओ बी, यानी कि ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, यानी कि ओ बी रिजल्टेंट है ओ ए प्लस ए बी का। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास ओ ए और ओ बी है तो हमें चाहिए ए बी। तो जो ए बी है वो यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो सबसे पहले तो हम इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखते हैं। तो अगर मैं इधर से इसका लिखूं तो ओ ए, इसका नाम होगा आर ए, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है। तो अगर हम इसके देखें तो हमारे पास है पहला, तो पहला होता है वाई, दूसरा जे और तीसरा के, ठीक है, और किलोमीटर, यानी कि इनके यूनिट किलोमीटर में। सिमिलरली ओ बी किसके बराबर है, आर बी 5i 6j और 7k किलोमीटर। ढूंढना क्या हमने, ए बी, ए बी को मैं नाम दे देता हूँ आर का। तो हमने ये ढूंढना है, एक हमने ये ढूंढना है, प्लस हमने इसकी मैग्नीट्यूड भी ढूंढनी है, यानी कि जस्ट कि इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, और एक ये वेक्टर भी ढूंढ के देना है। तो जाहिर सी बात है अगर वेक्टर मिल जाएगा तो हम पोजीशन को कैलकुलेट, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आर है वो बराबर आएगा आर बी माइनस आर ए। मैंने इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। अब आर बी किसके बराबर है, 5i + 6j + 7k माइनस 2i + 3j + 4k, ठीक हो गया। तो आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस में से एक्स एक्सिस, वाई में से वाई और जेड में से जेड। तो 5i में से आपने 5i + 6j
प्लस सेवन के माइनस टू आई माइनस थ्री जे माइनस फोर के। तो पाँच में से दो गए तो थ्री आई, छः में से तीन गए तो थ्री जे, और सात में से चार गए तो थ्री के। तो ये आपके पास आ गया आर। अब इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इस आर की मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। तो जब आप इसे करोगे तो आएगा 27, यानी कि 3 अंडर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू 5.2 किलोमीटर। इसका मतलब है कि इन दो एरोप्लेन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 5.2 किलोमीटर का। ठीक है, बड़ी आसान एग्जांपल है, वैसे डायग्राम वाली है तो मे बी बोर्ड में कम आए, लेकिन वैसे आपको आनी चाहिए कि आपने इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आप इसे नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर टू। तो एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू में कहता है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। तो एग्जाम्पल नंबर टू में लिख रहा हूँ कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन की और एक 20 की। चूंकि दो अलग अलग हैं तो इसको मैं नाम दे देता हूँ F1, ये 10 न्यूटन की तो वैल्यू दे रहा है तो जस्ट मैग्नीट्यूड। तो F2 जो है वो 20 की है, तो अगर ये वैल्यूज हैं तो जस्ट मैग्नीट्यूड है तो आ जाएगा F2 है वो है 20 न्यूटन की। जो F1 है वो डायरेक्शन के एतबार से एंगल बना रही है 30 डिग्री, और जो दूसरी है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि दो फोर्सेस, एक 10 न्यूटन 20 न्यूटन एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, एक 30 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रही है और एक 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक जो है ये 30 डिग्री बना रही है, इनके पहले को पहला दूसरे को दूसरा। तो आपने इनकी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, यानी कि जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है वो आपने बतानी है। यानी कि इसकी दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी होगी, एक इसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी इसकी डायरेक्शन। तो अब अगर मैं इनको ड्रा करूँ इधर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये कुछ इस तरह की बनेंगे कि एक फोर्स लेट्स सपोज ये है, ये 30 डिग्री पे है और इसका नाम है जी F1, और एक फोर्स ये है जो 60 डिग्री पर है जिसका इधर नाम है F2। तो इनकी रिजल्ट है। तो अब वेक्टर एडिशन से करें तो काफ़ी मसला बन सकता है, लेकिन हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था वेक्टर एडिशन बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ज़रा इसकी कैलकुलेशन के लिए हम उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। उसमें सबसे पहला और बेसिक तरीका क्या है कि आपके पास जितनी भी फोर्सेज हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड कर लें। तो सिमिलरली सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप इधर नंबरिंग भी दे देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप मैं इधर अप्लाई करने लगा हूँ, उसके अंदर क्या करना है कि F1 का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, F1x होगा F1 cos ऑफ थीटा 1। F1 कितना आपके पास 10 और cos 30, 10 cos 30 0.866, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.66। ठीक है, तो यूनिट का आपने ख्याल रखना है। और F2 आ जाएगा F2 cos ऑफ थीटा 2, कितना है 20 cos 60, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर इज 10 न्यूटन। ठीक हो गया, ये आपका स्टेप वन था। अगर आप उसे देखो इससे पीछे वाले टॉपिक को जिसकी एग्जांपल है कि सब सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट ढूंढो, तो हमारे पास दो फोर्सेस है दोनों के एक्स कंपोनेंट आ गए। अब दोनों फोर्सेस के वाई भी ढूंढ लो, तो F1y बराबर होगा F1 sin थीटा 1। F1 आपके पास है 10 और sin थीटा आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, और sin 30 होता है 0.5, तो 10.5 विच इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन। और F2y विच इज़ इक्वल टू F2 sin थीटा 2, तो ये आ जाएगा 20 और sin 60, तो यह आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 0.866 विच इज़ इक्वल टू 17 पॉइंट, आई थिंक इसकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, 17.32।
ये आ गया आपके पास स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री में आपने क्या करना है, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ढूंढना है। तो रिजल्टेंट का नाम मैं थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। एफ वन एक्स की वैल्यू कितनी थी, 8.66 प्लस 10, तो विच इज इक्वल टू 18.66 न्यूटन। इसी तरह एफ वाई, एफ वाई होगा एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई, यानी कि इन दोनों का सम, वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट इन दोनों का सम आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 प्लस 17.32, तो विच इज इक्वल टू 22.32 न्यूटन। ये स्टेप नंबर थ्री आ गया। स्टेप नंबर फोर में हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला था हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर का फार्मूला, एफ एक्स की वैल्यू थी 18.66 का स्क्वायर प्लस 22.32 का स्क्वायर। तो जब आप इसे इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपने अंडर रूट ले लेना है। तो आंसर आ रहा है 846.4। तो इसका जब आप अंडर रूट लोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 29 न्यूटन। इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स 29 न्यूटन फोर्स की वैल्यू रख रही है। पांचवा, ये स्टेप मजे का है। इसके अंदर डायरेक्शन के लिए आपके पास फार्मूला था फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई कंपोनेंट ओवर एफ एक्स। टेन इनवर्स एफ वाई, वाई की वैल्यू ये वाली है 22.32 डिवाइडेड बाई 18.66। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो टेन इनवर्स आएगा 1.196। मजीद सॉल्व करने से आंसर बनता है आपका 50। लेकिन ये फाई है, हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर पॉजिटिव, सो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हमने वहाँ पर पढ़ा था जो इसका कि थीटा इज इक्वल टू फाई विच इज इक्वल टू 50। इसका मतलब है पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो आंसर है वो दोनों पॉजिटिव है, तो जो थीटा है वही आपका क्या होगा, इधर फाई होगा। तो इसका मतलब है ये 50 जो फाई है वही आपका थीटा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर थी टू। एग्जाम्पल नंबर थ्री भी कुछ ऐसी ही है, उसको भी देखते हैं ज़रा। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर थ्री पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ दीज फोर्सेस। अच्छा, इसके अंदर कुछ उसने डाटा नहीं दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं दी, बस आपको एक स्टेटमेंट सी दी है, और वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपके पास दो फोर्सेज हैं। तो लेट्स सपोज पहली फोर्स का नाम है F1, दूसरी फोर्स का नाम है F2। ठीक है, ये दो फोर्सेज हैं, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड है, वो जो रिजल्टेंट आना है उसका मैग्नीट्यूड, ये तीनों आपस में क्या है, सारे बराबर है। यानी कि फोर्स वन का मैग्नीट्यूड फोर्स टू के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आप इनको कुछ ऐसे एंगल पर रखोगे जो इनका रिजल्टेंट बनेगा, उसके अंदर जो आर आएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू इन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी कि अलग अलग मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। यानी कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड एफ ही होगा, डायरेक्शंस जो मर्जी हो, लेकिन डायरेक्शन ही तो हमने ढूंढनी है। अब क्या होगा कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें आपका पहला वेक्टर है जी यू, इसका नाम है जी एफ वन। तो जाहिर सी बात है इसका एफ एक्सिस के साथ अगर आप एंगल देखें थीटा वन, तो वो कितना आ रहा है, जीरो। दूसरे वेक्टर को आपने इसके ऊपर किसी तरह एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कि इसके साथ वो वेक्टर कोई ना कोई क्या बनाएगा, एक एंगल। तो एडजस्ट करने के लिए आपने इसके ऊपर फ़र्ज कर लो किसी भी एंगल पर रख दिया है, लेट सपोज ये एक एंगल है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर आप इसको इसके साथ देखो तो ये इसके साथ कुछ ना कुछ एक एंगल बना रहा है, इधर वो एंगल होगा थीटा, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो हमें नहीं पता वो एंगल क्या है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे हेड टेल, तो ये जो है ये आपका एफ टू है। तो जब ये एंगल इधर आएगा तो जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू एफ के बराबर होगी इन मैग्नीट्यूड। यानी कि जो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया
और इनका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू लेंथ इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ के बराबर हो। तो अगर आप इन्हें गौर करो तो ये जो ये वाला वेक्टर है ये कितने एंगल बना रहा है, थीटा। असल में हमने इसको ढूंढना है, थीटा को, ठीक है। तो अब हम वही स्टेप्स जो अभी मैंने किए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्हीं को रिपीट करके इस सारे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि एक का थीटा जो है वो 0 है और थीटा 2 थीटा के बराबर है, ठीक है, जबकि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड F के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इधर हम वही करेंगे जो कि इधर किया था। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि दोनों के x कंपोनेंट ढूंढ लेंगे। तो पहले का x कंपोनेंट होगा F1x विच इज इक्वल टू F1 cos ऑफ थीटा, F1 cos थीटा cos 0 विच इज इक्वल टू F1, ठीक हो गया। अब दूसरे का भी x कंपोनेंट ढूंढ लेंगे, F2x विच इज इक्वल टू F2 cos ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 1 होगा, ये 2, तो ये बन जाएगा F2 cos ऑफ थीटा। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करना है भाई साहब, क्या आपने F2y ढूंढना है। तो F2y क्या होगा, सॉरी F1y क्या होगा, F1 sin ऑफ थीटा 1, F1 sin थीटा 0। sin 0 क्या होता है मैथ में, 0, कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हो तो आंसर आएगा 0। और F2y विच इज इक्वल टू F2 sin ऑफ थीटा 2 विच इज इक्वल टू F2 sin ऑफ थीटा, यानी कि थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना था, आपने रिजल्टेंट वेक्टर का F कंपोनेंट ढूंढना था, और रिजल्टेंट वेक्टर का F कंपोनेंट होगा F(x), ठीक हो गया। वो किसके बराबर होगा, F1x प्लस F2x। F1 है F1 प्लस और ये क्या है, F2 cos ऑफ थीटा, ठीक है, ये F(x) कंपोनेंट है। और सिमिलरली F(y) कंपोनेंट किसके बराबर होगा, F(y) होगा F1y प्लस F2y। F1y 0 है और F2y F2 sin ऑफ थीटा है, ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 4 से आगे हमारी मजीद कैलकुलेशन चलेगी जो कि सही में कैलकुलेशन होगी सारी। तो पॉइंट नंबर 4 में सारा कंक्लूजन निकलेगा। तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो रिजल्टेंट है R, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगी, R x का स्क्वायर प्लस R y का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका नाम मैं F रख दूँ रिजल्टेंट का, तो फिर इधर क्या आ जाएगा, F(x) का स्क्वायर प्लस F(y) का स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्केयरिंग कर दो, इससे कटेगा तो इधर आ जाएगा F स्क्वायर इज इक्वल टू F(x) स्क्वायर प्लस F(y) स्क्वायर, ठीक है। F(x) स्क्वायर किसके बराबर है, F1 प्लस F2 cos थीटा स्क्वायर, और F2y किसके बराबर है, F2 sin थीटा स्क्वायर। तो अगर आप गौर करो तो ये जो R है ये F के बराबर था, तो मैंने F पुट कर दिया। सिमिलरली F1 भी किसके बराबर है, F के, और F2 भी किसके बराबर है, F के। तो अगर आप इसको पहले सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस ये a प्लस b का, तो आ जाएगा F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 a एंड b प्लस F2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे, F1 और F2 की जगह क्या पुट कर दोगे, F। तो ये बन जाएगा F स्क्वायर, ये बन जाएगा F स्क्वायर, ये बन जाएगा 2, ये भी F है, ये भी F है, तो F से मल्टीप्लाई हो गया जाएगा F स्क्वायर cos थीटा प्लस F स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इधर आपके पास था F स्क्वायर, क्लियर। अब ये F उधर जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा तो इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 2 F स्क्वायर cos थीटा प्लस इसमें से और इसमें, इन दोनों को देखो तो क्या ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, F स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस F स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। अच्छा, इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, चलो इधर ही कर देते हैं। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो क्या इन दोनों में F स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ऐसे करके, तो इधर बचेगा 0 इज इक्वल टू 2 F स्क्वायर cos cos थीटा प्लस
एफ स्क्वेयर इंटू वन, क्योंकि मैथ को आपको पता होगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वन होता है, तो इधर बचेगा जीरो, इधर बचेगा टू एफ स्क्वेयर कोस थीटा प्लस एफ स्क्वेयर, ये एफ स्क्वेयर इधर प्लस के उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो टू एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एफ स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा, एफ इस एफ से कटेगा तो इधर बचेगा माइनस वन टू कोस ऑफ थीटा, तो कोस ऑफ थीटा आएगा माइनस वन बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव कोस थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा कोज इनवर्स माइनस जीरो पॉइंट वन, तो विच इज इक्वल टू 120, तो ये आपने ढूंढना था एंगल। तो अगर आप एक वेक्टर को ऐसे रख दो और दूसरा वेक्टर उसका कितना एंगल बना ले 120 डिग्री का, तो जो उनका रिजल्टेंट बनेगा उस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड होगी वो इन दोनों वैक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है उनके बराबर होगी। यह था आपका एग्जाम्पल नंबर थ्री। नेक्स्ट देखें जी एग्जाम्पल नंबर फोर। फोर इंतहाई आसान है, फोर और फाइव बड़ी आसान उसकी कैलकुलेशन है। तो एग्जाम्पल नंबर फोर को मैं पढ़ता हूँ इधर। एग्जाम्पल नंबर फोर में भाई साहब कहते हैं अ फोर्स टू आई प्लस थ्री जे यूनिट्स। अच्छा इधर ना बुक ने यूनिट्स यूज़ किया, मतलब इसके फोर्स के कुछ भी यूनिट हो सकता है। तो चूंकि अभी इस चैप्टर में हमने फोर्स वैसे ही पढ़ी है, यूनिट नहीं पढ़े, फोर्स को डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसलिए उसने जस्ट यूनिट का वर्ड यूज़ किया, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना। तो एक फोर्स है वो वेक्टर उसने बताया आई थिंक 2i प्लस 3j यूनिट्स, ठीक है। और उस आपने एक चीज़ पर लगाई और उस चीज़ को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले गए, पॉइंट ए की वैल्यू है 1 और 3, ठीक हो गया। और उसको आप ले गए हो पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट है 5 और 7, तो सेकंड पॉइंट है 5 और 7, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो आपने किस चीज़ को यहाँ से पकड़ा और इधर तक ले गए, तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया। यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई चीज़ ऑलरेडी ये 10 मीटर है और अगर कोई चीज़ ऑलरेडी 4 मीटर पे पड़ी है तो उसने इधर आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो जाहिर सी बात है 6 मीटर किया होगा। तो इसलिए कोई चीज़ पहले इधर पड़ी और वो इधर आई है, तो आपने बताना है कि आपने इसके ऊपर कितना वर्क किया। तो सबसे पहले आपको इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। तो जो पॉइंट ए है उसका नाम होगा ओ ए, उसको हम नाम दे देते हैं 1, पोजिशन वैक्टर 1, वो आ जाएगा 1 तो आई प्लस 3j, और पोजिशन वैक्टर बी बराबर आ जाएगा आर टू विच इज इक्वल टू 5i प्लस 7j, ठीक हो गया। तो इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो क्या होगा, डी बराबर आएगा आर टू माइनस आर वन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम बोलते हैं कि आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो 5i प्लस 7j माइनस आई प्लस 3j, ठीक है। तो 5 अभी मैंने एग्जांपल की थी 5i प्लस 7j माइनस आई माइनस 3j, तो आएगा 4i प्लस 4j, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क। वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी, तो एफ़ की वैल्यू क्या है, एफ़ की वैल्यू है 2i प्लस 3j डॉट 4i प्लस 4j। अब होता क्या है कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i की वैल्यू को i से मल्टीप्लाई करो और j की वैल्यू को j से मल्टीप्लाई करो, और जो जवाब आएगा उसको आपने जस्ट ऐड करना है, मतलब बड़े रोले में नहीं पढ़ना, तो जस्ट आपने जवाब को ऐड कर देना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 8, आगे फिर सिंबल का ध्यान रखना है, तो दोनों प्लस क्यों, तो प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, चूंकि प्लस और प्लस है तो आंसर प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 यूनिट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क। बड़ी आसान एग्जाम्पल थी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। एग्जाम्पल नंबर 5 में वो कहता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बस बड़ी आसान है और ये आती भी है बोर्ड में, क्योंकि सिंगल लाइन स्टेटमेंट है इसकी। वेक्टर ए आपको जस्ट उसने दिया है, वेक्टर ए की वैल्यू है भाई साहब 2i माइनस 8j प्लस के
और वेक्टर बी की वैल्यू भाई साहब ने बताई है 3i-4j-12 के, 3i-4j-12 के, ठीक है। तो आपने क्या ढूंढना है कि वेक्टर जो बी है वो तो है जी यूं, लेट्स सपोज, और वेक्टर ए है जी यूं, तो इनके दरम्यान में कुछ एंगल है। तो आपने क्या करना है कि इस वेक्टर ए के दो टुकड़े ए एक्स और ए वाई, तो कौन सी प्रोजेक्शन है ए की प्रोजेक्शन ऑन बी, यानी कि आपने ए एक्स को फाइंड करना है। तो अगर आप इसके फार्मूले को देखें, फार्मूला था जो हमारे पास ढूंढने वाली चीज़ है वो प्रोजेक्शन है, यानी कि ए एक्स। तो अगर आप इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला था ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट का था ए बी कॉज ऑफ थीटा, तो ए डॉट बी, ए कॉस थीटा का नाम है ए एक्स इंटू बी, तो जो ए एक्स है वो किसके बराबर है ए डॉट बी ओवर बी। तो इधर आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है, तो आप वैल्यूज को पुट करें तो ए एक्स यानी कि ए कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया ए डॉट बी, ए 2i-8j+k डॉट 3i-4j-12 के, ठीक हो गया, ओवर बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, 9+16+144 विच इज़ इक्वल टू 169 एंड विच इज़ इक्वल टू 13, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड है 13। अब आप ऊपर उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो ए एक्स ए कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू डॉट, इसको इससे ज़रब दो, तो दो को ज़रब दी 3 से, तो आंसर है 6, चूँकि 2 भी प्लस क्या 3 भी, तो प्लस आ गया। 4 को ज़रब दी 8 से, तो क्या आएगा 32, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। 12 को ज़रब दी 1 से, तो क्या आएगा 12, लेकिन ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस ओवर 30, तो इसका आंसर आएगा 26/13 विच इज़ इक्वल टू 2, तो 2 आपका इसका आंसर है। ए कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट से, लास्ट मतलब वेक्टर्स की लास्ट एग्जांपल है जी वो। एग्जांपल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में कहते हैं भाई साहब, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू अ पॉइंट पी ऑफ अ बॉडी हुज पोजिशन वेक्टर इन मीटर्स इज i-2j+k, इफ फोर्स ऑफ 2i-3j+4k न्यूटन, डिटरमाइन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए हुज पोजिशन वेक्टर इज फला फला 2i+j+k, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट पी है, हमारे पास पॉइंट पी की सबसे पहले पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट पी का है उसका नाम है जी ओ पी, वो है आर टू। ये अभी मैं आपको बताता हूँ, आर टू है i-2j+k आई थिंक प्लस के, तो ये है जी मीटर्स में, और ओ ए जो है वो है आपके पास पोजीशन वेक्टर 1 विच इज़ इक्वल टू i-2i+j+k, 2i+j+k, और ये भी है मीटर में, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 2i-3j+k। तो ये आपके पास है जी दो वेक्टर्स, ठीक है, ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, और ये फोर्स है। फोर्स आपने लगाई है इसके गिर्द और रोटेशन हो रही है इसके गिर्द, तो आपने इसके गिर्द होने वाला जो बनने वाला टॉर्क है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा ज़रा इसको इधर समझ लो कि फ़र्ज़ कर लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर क्या है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है। आप में से किसी बंदे ने फोर्स लेट्स सपोज ऐसे इधर लगाई है फोर्स, तो जाहिर सी बात है जब ये होगा तो ये यूँ इस पॉइंट के गिर्द, इस पॉइंट ए के गिर्द घूमेगा। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए टॉर्क के लिए, आपको पता है टॉर्क का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो टॉर्क बराबर है आर क्रॉस एफ।
आर क्या है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला। अब मुझे इस पॉइंट की वैल्यू भी पता और इसकी भी, तो इन दरमियान इनके दरमियान का फासला मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? आर बराबर होगा आर टू में से आर वन को माइनस, यानी कि इस पॉइंट की वैल्यूज़ में से इस वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। तो अभी मैंने वो की भी थी, इधर मैं कर देता हूँ दोबारा। तो आर जो है वो आ जाएगा टू, टू के पॉइंट क्या हैं, सॉरी आई माइनस टू जे प्लस के माइनस टू आई प्लस जे और प्लस के, तो ये आपके पास है टू के पॉइंट्स। ठीक हो गया, इसमें से आपने इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है, तो आई माइनस टू जे प्लस के माइनस टू आई माइनस जे माइनस के, तो ये इधर से हो गया, तो इधर बचा माइनस आई माइनस थ्री जे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आर, और अगर इसमें कुछ नहीं है तो वो है प्लस ज़ीरो के। ठीक है, ये इसके मैंने तीन इसके कंपोनेंट भी पूरे कर दिए। अब हमने करना है टॉर्क कैलकुलेट, तो टॉर्क के लिए जो फार्मूला है वो है आर क्रॉस एफ, और इसके लिए डिटर्मिनेंट वाला रूल होता है आई जे और के। सबसे पहले आर के तीन टुकड़े, आई है माइनस का, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है, माइनस थ्री जे और ज़ीरो। फोर्स, फोर्स की वैल्यू है टू माइनस थ्री और फोर, तो इसको सॉल्व करना है आपने इधर। तो सबसे पहले क्या होता है, आप आई को पकड़ते हो, इसके चार इसकी रो भी जाती है इसका कॉलम भी, तो क्या बचता है माइनस थ्री ज़ीरो माइनस थ्री और फोर माइनस जे। अब जे की वैल्यूज आ जाएंगी, जे की रो और कॉलम जाएगा तो माइनस वन ज़ीरो टू और फोर, प्लस के, के की रो भी जाएगी के का कॉलम भी माइनस वन माइनस थ्री टू और माइनस थ्री। आपने इसको सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस ट्वेल्व आई। ठीक है, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि आई इधर रहने देता हूँ और माइनस ट्वेल्व इसको इससे ज़रब दे के इसमें से इसको माइनस करना है, तो जब हम इसको ज़रब देंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस जे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा माइनस जे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा माइनस फोर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, प्लस के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को वन से, माइनस थ्री को माइनस वन से करेंगे तो आ जाएगा थ्री, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो छः तो माइनस छः। ठीक हो गया, इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस ट्वेल्व आई, इसमें से ये गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस फोर जे, और इधर बचेगा माइनस और माइनस प्लस ये थ्री और सिक्स नाइन, तो क्या आ जाएगा नाइन के, और इसके यूनिट क्या होंगे न्यूटन मीटर। तो ये वो टॉर्क है जो इसके ऊपर लग रहा होगा, तो माइनस ट्वेल्व प्लस जे और प्लस नाइन के आंसर है। तो ये आपके वेक्टर्स के छः न्यूमेरिकल हो गए। इक्विलिब्रियम के भी न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो थोड़े लेंथी हैं और ज़्यादा समझाने वाले हैं, तो इसलिए उन लेक्चर की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मतलब उन जो एग्जांपल्स हैं। तो अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में बताएं, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।